थोड़ा सा और ख़राब हो गया है, तो कोई बात नहीं। और अभी हम बैठे हैं अपने रूम में, सारा सामान फैला हुआ है जिसे अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी हम पीने वाले हैं चाय। और ये है मॉर्निंग का व्यू हमारे रूम से, और कुछ ही देर बाद ये व्यू इस व्यू में कन्वर्ट हो गया था, और ये इतना सुंदर दिखाई दे रहा था। हालांकि एक्चुअल में कुछ ज़्यादा दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन हमें देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। बस देखो, फिलहाल हम अपने होटल से तैयार होकर निकले हैं, और हमारा होटल काफ़ी नीचे है, तो उसके लिए हमें मार्केट तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ती थी, और इसमें मेरा ऑलमोस्ट दम निकल रहा था। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली स्ट्रेट चढ़ाई है, और यहाँ से चलना ही मतलब ऐसी मुसीबत की तरह है कि इंसान आधा तो यहीं बैठ जाएगा। और बाहर का पूरा जो व्यू है वो इस तरह है। ये वो जगह है जहाँ से हमने कल रात वीडियो बनाई थी, और इसका व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये आप नोटिस कीजिए इस जगह को, ये वही जगह है जहाँ से हमने रात को अपनी सीढ़ी दिखाई थी, और लग रहा था कि ज़मीन पर तारे हैं। फिलहाल हम निकले हुए हैं गन पॉइंट की तरफ, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और यहाँ जो मसूरी का व्यू है उसे देख के ज़रूर मन खुश हो गया है। जबकि ये ऑफ सीज़न है, फिर भी इसका वेदर इतना अच्छा है, और लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था ना, तो इतने अच्छे व्यू को हम मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए यहाँ रुक के हमने कुछ देर फोटोज़ लिए, और ये भी थोड़े से वीडियो बना रहे हैं। और अब देखिए, ये जो है हम इससे ऊपर गन पॉइंट तक जाने वाले हैं, और एक्चुअल में ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसी किसी चीज़ में बैठने वाली हूँ। हालांकि मुझे हाइट से पहले डर लगता था, अब नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये रिस्की तो मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी धुंध में मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये कितनी दूर तक जा रही है, और इसमें बैठने के बाद क्या व्यू आने वाला है। आप देख सकते हैं ये जा रही है, तो दिखाई भी नहीं देगी थोड़ी देर बाद कि ये कहाँ पहुँच गई है। तो ये बहुत रिस्की मुझे लग रहा है, लेकिन मज़ा भी बहुत आने वाला है, और सिर्फ आप लोगों के लिए हम ये करने वाले हैं। चलिए, नीचे आ रही है, तो धीरे धीरे ये और क्लियर दिखाई देने वाली है, और हम इसी में बैठ के ऊपर वापस जाने वाले हैं, जिसकी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। हालांकि पता नहीं इस धुंध में कुछ दिखाई देगा भी या नहीं। बहुत स्लो मोशन में नीचे आ रही है, और जैसे जैसे ये नीचे आ रही है उतनी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। और जिन लोगों को हाइट से डर लगता है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें, क्योंकि मुझे दूर से ही देख के डर लग रहा है, तो पता नहीं इसमें बैठ के कैसा महसूस होने वाला है। हालांकि लोग तो बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं यहाँ जाने के लिए। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, लेकिन साथ साथ डर भी है। तो ये आ चुकी है हमारी सवारी जिसमें हम बैठने वाले हैं। तो अब बाहर लोग निकल चुके हैं और हम बैठ चुके हैं, और अब जल्दी है ये ऊपर की तरफ। और व्यू तो आप देख ही रहे हैं, दूर दूर तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मज़ा पूरा है। और एक्चुअल में मैं बताऊं तो मुझे बैठ के महसूस ही नहीं हो रहा कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि अब इतनी स्टेबल चल रही है ये, तो दिक्कत तो कोई भी नहीं आ रही है। और व्यू और अच्छा हो सकता था अगर ये धुंध हट जाती तो, क्योंकि ऊपर से व्यू काफ़ी सुंदर दिखाई देगा, लेकिन पता नहीं कब तक ये धुंध हटेगी और कब हमें अच्छा व्यू मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक अच्छी वीडियो दे सकूँ, तो पूरी वीडियो मैं इस चीज़ की बना रही हूँ। और ये काफ़ी स्लो मोशन में जा रही है, तो जितना मतलब हम क्लोज आते जा रहे हैं, व्यू मतलब अपनी आंखों से देखने से मुझे और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे नहीं पता ये वीडियो में किस तरह आएगा, लेकिन देखने में एक्चुअल में एक्सपीरियंस करने के लिए बेस्ट चीज़ है। और अगर आप लोग भी मसूरी जाएँ तो प्लीज़ इस गन पॉइंट पर ज़रूर जाएँ, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम है, और मैंने सुना है कि ऊपर को मार्केट है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होगी। तो देखते हैं कि ऊपर क्या चीज़ है क्या नहीं, और ऊपर से नीचे देखते वक्त अब ज़रूर थोड़ी सी घबराहट हो रही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जितनी भी जगह दिखाई दे रही है उससे पता तो चल रहा है कि मैं कितनी हाइट पर आ चुकी हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग जो है वो क्रॉस कर दी है, इतनी ऊँचाई पर मैं आ चुकी हूँ। और फिलहाल सिर्फ हरी हरी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप देख सकते कितनी ज़्यादा गहराई है नीचे, और जिनको हाइट से डर लगता है वो अपने रिस्क पे इस जगह जाएं। लेकिन अगर सिर्फ व्यू के चक्कर में और एक्साइटमेंट के चक्कर में आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जाइएगा।
बाकी ऊपर जाके पता चलता है कि ऊपर क्या चीज़ है, ये मेहनत सफल होगी भी या नहीं। ये नीचे उतर रही है बिल्कुल हमारे साइड से और मुझे लगता है शायद हम पहुंचने वाले हैं, ताकि जल्दी से ये धुंध हटे और कुछ दिखाई दे। हालांकि कैमरा अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, क्योंकि सच कुछ तो मुझे एक्चुअल में अपनी आंखों से इतना भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा जितना आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और ये अचानक से बढ़ गई है। ऐसे लग रहा था कि किसी ने आग लगा दी है और सिर्फ धुआं ही धुआं है, तो वो चीज़ भी बड़ी अजीब सी थी। लेकिन मौसम, ये जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ में सिर्फ एक बार ही होता है और मुझे नहीं लगता मैं ये चीज़ दोबारा एक्सपीरियंस कर पाऊँगी। और यहाँ पहाड़ियों पे बहुत सुंदर सुंदर फूल भी हैं, जिन्हें देखना भी अपने आप में बड़ा मज़ेदार है, और आपको पता नहीं दिखाई दे रहे हैं नहीं, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस तरह, क्योंकि मुझे हाइट का बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किसी ऊँची जगह पर जा रही हूँ या वाओ। अब आप देख सकते हैं कि सामने मुझे दिखाई दे रहा है, ये इसका एंड पॉइंट है शायद, और हम पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके हैं। बातों बातों में मैं कब ऊपर पहुंच गई पता ही नहीं चला। और यहाँ जो है वो लग तो रहा है कुछ मार्केट वगैरह जैसा कुछ है, यहाँ देखते हैं, लोगों की भीड़ भी है, तो देखते हैं ऊपर इतना मज़ा आएगा जितना मैंने रिस्क लिया है या नहीं। गन हील इस जगह का नाम है, और अगर आप मसूरी जाएंगे तो आप इजीली पता कर सकते हैं जगह को। देखिए लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, कब नीचे उतरेंगे। तो अब हम बाहर निकलते हैं। तो बाहर से ऊपर देख सकते कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और ये यहाँ एंट्री करते ही ऊपर सचमुच एक बहुत अच्छी और बड़ी सी मार्केट है, और ये इसका पूरा व्यू है। चलो 10 मिनट हो गए, फोटो बनाया अभी। व्हाट अ व्यू। अभी यहां पर एक घर था, यहां पे सामने स्कूल या घर था कुछ, अकेला चोटी पे। अरे कहां गायब हो गया, बादलों में गायब हो गया है। आता दोबारा देखते हैं। ये है पूरे मार्केट का व्यू, और इसके अलावा भी पीछे भी काफ़ी ज़्यादा जगह है जहाँ मार्केट लगी हुई है। यहाँ स्पेशली बच्चों के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, और अगर आपको फ़ोटो शूट कराना है तो उसके लिए ड्रेसेस वगैरह भी हैं, थोड़ी ज्वेलरी वगैरह भी हैं। और यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो है यहाँ की एंटिक चीज़ें, जो कि वुडन की होती हैं, वो आपको ईजिली मिल जाएंगी। इतनी ऊंचाई पे आके जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी है वो तो ये है कि ऊपर आने के बाद थोड़ी देर बाद धुंध हट चुकी है, तो हमें इजीली जो व्यू है वो भी देखने को मिल गया है। आप देख सकते हैं इतना सुंदर व्यू है, जो शायद बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ देहरादून सिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, और ऊंचाई पे सचमुच आकर अच्छा लग रहा है। अगर आप भी चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। और अब टाइम है वापस जाने का, और हम वापस बैठ चुके हैं, और इसकी वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैं चढ़ी थी तो धुंध बहुत ज़्यादा थी, तो मैं आपको व्यू नहीं दिखा पाई थी, तो इसलिए मैं ये व्यू की वीडियो दोबारा बना रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम किस रास्ते से चढ़े थे, वो कितना सुंदर था। और देखिए वहाँ से हम बैठे हैं और अब नीचे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहली वीडियो थी चढ़ने की, उसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फ़िलहाल धुंध हटने के बाद आपको इतना तो दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं कितना डिफरेंस था धुंध और धुंध के बाद। ये चीज़ एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा अजीब भी है, क्योंकि धुंध सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर अंदर हट चुकी है, लेकिन उसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, और हम इतने चौड़ में थे कि कपड़े अपने हिसाब से पहन कर गए थे। हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि लोग यहाँ क्या समझ के आए हैं, गोवा समझ के आए हैं नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों के ड्रेसेस देख के मैं खुद हैरान थी कि मुझे इतनी ठंड लग रही है, लेकिन लोग शॉर्ट शॉर्ट ड्रेसेस पहन के यहाँ आए हुए हैं और बड़े मस्ती में हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुझे ठंड लग रही है। तो मुझे लगा कहीं मैं बीमार तो नहीं होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी अपनी चॉइस है, लोगों को जो पसंद है वो पहन के आए हुए हैं। और ये ऊपर से नीचे तक का व्यू है, अब ये ट्रॉली ऊपर जा रही है और हम नीचे आ रहे हैं, और ये स्टीप पूरी तरह क्लियर दिखाई दे रही है। आप भी देख सकते हैं कि कितनी क्लियर इसमें सिटी आ रही है, और बहुत मज़ा आ रहा है इतने स्लो स्लो नीचे उतरने में, क्योंकि जो ट्रॉली है वो बहुत स्लो
अभी वायर भी पूरे दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये देखिए पूरी सिटी आपको ऊपर से बड़े इजीली दिखाई दे जाएगी और इसका पूरा आनंद उठाते हुए हम हैं और आपको भी दिखाते हुए। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये व्यू मैं कट नहीं करना चाहती थी कि इतनी मेहनत से ऊपर तक जाके नीचे आए हैं और ट्विस्ट लिया है तो उसको मैं शॉर्ट उसमें नहीं बनाना चाहती थी। ये देखिए हम रोड के ऊपर से निकल रहे हैं और अब बस थोड़ी देर में हम ज़मीन पर उतर आएंगे और व्यू सच में बहुत ही सुंदर है। इसे शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी जो लोग चाहते हैं ऐसी जगह जाना, क्योंकि हमें भी बहुत मुश्किल हुई थी इन जगहों को घूमने में। लोग मसूरी जाते हैं, कैंपटी फॉल जाते हैं और बस दो चार जगह जाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह जो बहुत कम लोग जाते हैं। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन फिर भी हमें ये जगह सबसे बेस्ट लगी। इसके बाद जो जगह है जहाँ हम जाएंगे उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब हम नीचे बिल्कुल उतर चुके हैं, अब टाइम है यहाँ से निकलने का। लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। इसी के बगल में बिल्कुल पास में ही है ये जो यहाँ मसूरी में जो आंदोलन हुए थे उनके शहीदों के कुछ समाधि या कुछ उनके उपलक्ष्य में कुछ बनाया गया है और ये बिल्कुल इसके बगल में है, स्मृति स्थल है ये शहीदों का। तो ये भी आप चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद हम सीधा अपने रूम में आए और रूम से मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी खिड़की का व्यू। चल रही है ये है शाम होते होते नजर आ रहा है, फिर से धुंध बराबर हो गई। अच्छा मैंने आपको सुबह ही कोई भी दिखाई नहीं दे रही थी तो अब हमने सोचा दिखाने की कुछ व्यस्त ही रेस्ट करें। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।